नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज टीवी। आइए रुख करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों पर। मैं आपके साथ विनोद कुमार। शेरघाटी नगर परिषद की पूर्व अध्यक्ष लीलावती देवी और उनके पुत्र विनय प्रसाद ने नित्य न्यूज टीवी के संवाददाता मोहम्मद सईद से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं गया जिला से मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। हमारे बीच शेरघाटी नगर पंचायत के लीला विनय प्रसाद पुत्र हुए हैं, अभी नगर परिषद हो गया है। हम जानना चाहते हैं कि अभी जो पुनः आप दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहिएगा? बोलिए, हम क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि हम विकास किए हैं और विकास करेंगे। जनता हमारे पर खुश है, जनता हमारे साथ है। आप बताइए विनय जी, पिछले जो 5 सालों का जो हम लोगों का कार्य अभी रहा वो बहुत ही सराहनीय रहा है। और जनता जो नगर परिषद को कोई जानता नहीं था, जनता जो बैकवर्ड दलित महादलित जो वैश्य समाज के लोग हैं, नुनियार हलवाय बनिया तेली अग्रवाल कोयरी कुर्मी बनापत सैनी, आपको चंद्रवंशी समाज के लोग, कुम्हार समाज के लोग, ठाकुर नाई, जितने भी समाज के लोग हैं, ये सारे समाज के लोग वंचित थे। एक छत्र राज था हमसे आने के पहले, वो सब हमने दूर किया। समता मूलक जो समाज है शेरघाटी में, और सभी की पहुंच हमने नगर परिषद तक, सभी आम जनता की पहुंच को हमने जो रखा, और जो विकास की रोशनी जो दिखाया कि नगर परिषद से सड़क नाली बिजली और अत्यंत इत्यादि बहुत से काम हो सकता है। आपने देखा होगा कि राज योजना की 4 सड़कें RGN नूतन नगर काली मंदिर अचट्टी पर रोड, उसके बाद 557 आवास योजना के लाभार्थियों को लाभ मिल चुका है। 1305 लोगों को जो है सो आपको आवास का सूची बना हुआ है, DPR बना हुआ है, उस पर भी काम चल रहा है। कुछ लोगों को पैसा भी 171 लोगों को उसमें दे दिया गया है। शहर में पूरे शहर में बिजली लगा, सड़कों की जाल बनी, बहुत सा जगह पर जो एकदम पहुँचवे पथ नहीं था उस समय जगह काम किए। सामाजिक रूप से हमारे ऑफिस में सभी लोग आए, अध्यक्ष से मिले, सभी से बात हमने किया, उसका जो है से अपार स्नेह प्यार मिला। उसके बावजूद भी बहुत सा चीज़ हम नहीं कर पाए। वार्ड काउंसलर के द्वारा जो मनमानी किया गया, हमें जबरदस्ती जो दबाव बनाया गया, उसके वजह से बहुत सा कुछ काम नहीं हो। तो अभी तो कठिन होगा कि पहले तो वार्ड पार्षद वोट देते थे, अब तो आप जान रहे हैं कि वो आम लड़ाई नहीं है सईद भाई, कोई लड़ाई नहीं है। इसलिए नहीं है लड़ाई कि हम लड़ाई 90% के लड़ रहे हैं। जो नारा जगदेव बाबू ने दिया था, 100 में शोषित 90 है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, उसी आधार पर शेरघाटी की जनता 90% लोगों का हम जो है से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम जो है से हमारे तरफ से तो कोई